हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी एंड ट्रेन। फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, रेलवे ने आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ दी है। रेलवे श्रीगंगानगर से जयपुर और जयपुर से श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रहा है और आज हम इसी की बात करेंगे। दोस्तों, रेलवे प्रशासन दीपावली के त्यौहार पर होने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए श्रीगंगानगर से जयपुर और जयपुर से श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अभय शर्मा के अनुसार गाड़ी संख्या 04757 श्रीगंगानगर जयपुर स्पेशल ट्रेन 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को श्रीगंगानगर से शाम 9:40 पर रवाना होगी और सुबह 8:25 पर जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँचेगी, और इसी प्रकार से गाड़ी संख्या 04758 जयपुर श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को जयपुर से शाम 8:30 पर रवाना होगी और अगली सुबह 7:30 पर श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ठहराव के बारे में। श्रीगंगानगर से रवाना होकर यह ट्रेन सादुर शहर, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, एलनाबाद, नोहर, तहसील भादरा, सादुलपुर, चुरू, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, पलसाना, रींगस, गोविंदगढ़, मलिकपुर, चौमू, सामोद, भीहर का बालाजी के रास्ते होते हुए जयपुर पहुंचेगी और वापसी में भी यही रूट रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल की। तो श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से शाम 9:40 पर रवाना होकर 10 बजे सादुर शहर, 10:40 पर हनुमानगढ़ जंक्शन, 11:13 पर हनुमानगढ़ टाउन, 11:52 पर एलनाबाद, सुबह 26 पर नोहर, 1:02 पर तहसील भादरा, 2:20 पर सादुलपुर, 3:35 पर चुरू, 4:45 पर फतेहपुर शेखावाटी, 5:50 पर सीकर, 6:37 पर पलसाना, 7:05 पर रींगस, 7:24 पर गोविंदगढ़ मलिकपुर, 7:37 पर चौमू सामोद, 8:10 पर ढेहर का बालाजी और फाइनली 1:25 पर जयपुर पहुंचेगी। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस का पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर बात करें इस स्पेशल ट्रेन में लगे कोच की, तो इसमें 1 थर्ड AC कोच, 8 स्लीपर कोच, 5 लोकल कोच और 2 गार्ड कोच सहित कुल 16 कोच स्पेशल ट्रेन में होंगे। आपको यह न्यूज़ कैसी लगी कॉमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।